मणिकुट या मणिशल्य पहाड़, जहां माता सती का एक अमूल्य वस्तु गिरा था। कौन सा महामूल्यवान चीज गिरा था यहां माता सती का, वो जानेंगे हम इसी वीडियो में। कालिका पुराण अनुसार भस्मकुट पहाड़ यानी उमानंद के ईशान कोण पर मणिकुट नाम का एक पहाड़ है, जहां मणिकर्ण नाम का एक शिवलिंग है। मणिकर्णेश्वर दर्शन करके भस्मकुट यात्रा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। भस्मकुट या भस्माचल पहाड़ में है माँ कामाख्या के भैरव उमानंद। उसी तरह मणिशल्य पहाड़ में है माता दीर्घेश्वरी के भैरव मणिकर्णेश्वर। मणिकर्णेश्वर मंदिर नॉर्थ गुवाहाटी में है। नॉर्थ गुवाहाटी जाने के लिए गुवाहाटी से फेरी सर्विसेज भी अवेलेबल है और हराय घाट ब्रिज से भी नॉर्थ गुवाहाटी तक जाया जा सकता है। प्रबात है कि नरकासुर जब प्राग्ज्योतिषपुर का राजा था, तब नरकासुर ने इसी मणिकुट यानी मणिशल्य पहाड़ में 16,000 गोपियों को कैद करके रखा था। और ये भी प्रबाद है कि नरकासुर ने इसी पहाड़ी में हीरे मोती तथा मूल्यवान रत्नों को छुपा के रखा था। प्राचीन समय में इस पहाड़ी के पास मणिकर्णिका नाम से एक पवित्र कुंड था, जिसमें स्नान करना गंगा स्नान समान माना जाता था। लेकिन वो कुंड अभी ब्रह्मपुत्र की तेज धार में विलीन हो चुका है। हर साल मदन चतुर्दशी, जो मिड अप्रैल में पड़ता है, उस तिथि में माता दीर्घेश्वरी और मणिकर्णेश्वर महादेव का विवाह वैदिक रीति नीति से की जाती है। कहते हैं दीर्घेश्वरी शक्तिपीठ दर्शन करके मणिकर्णेश्वर दर्शन ना करे तो भक्त को तीर्थ यात्रा की संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। और कालिका पुराण भी यही कहता है कि मणिकर्णेश्वर दर्शन करके उमानंद दर्शन करने से मोक्ष मिलता है। प्रजापति दक्ष के महायज्ञ में जब माता सती ने अपना देह त्याग किया और जब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के देह को काटा, तब जहां जहां माता सती के अंग गिरे वहां वहां शक्तिपीठ का निर्माण हुआ। और माना जाता है माता सती की कानों की बाली तथा मणि यानी इयररिंग इसी मणिशल्य पर्वत में गिरा था, जिसके कारण इस स्थान का नाम मणिकर्णेश्वर हुआ और शिवजी यहाँ मणिकर्णेश्वर के रूप में खुद विराजमान हुए। मणिकर्णेश्वर रूपी इस शिवलिंग को किसी इंसान ने प्रतिष्ठा नहीं किया, शिवजी यहाँ खुद माँ के भैरव के रूप में बैठे हैं।